आज 4 अप्रैल है और आपका जीव विज्ञान का पेपर हो चुका है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसका 348 जीओ कोड है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 2022 जीव विज्ञान। और फ्रेंड्स आपको यहाँ प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवासी फल नहीं है। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा एक आवासी फल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभक प्रकूट है। उसके बाद गा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निमीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपका है निश्चित उत्तरीय प्रशान टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है, तो इसको आपको समझाना है। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, इसके लिए आपको एक अंक दिया जाएगा सही से आंसर देते हैं तो। किस पैथोजन के कारण हाथी पांव एलिफेक्टिसम रोग होता है, यह पैथोजम किस संघ से संबंधित है, इसका अगर आप सही से क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बाद है आर डीएनए में आर क्या है। अगला क्वेश्चन है निकेतक को परिभाषित कीजिए। उसके बाद आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न है आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा रूप लिखिए। असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। टर्नल एवं फ्लाइंग फेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं, यह बताइए। जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है, इस चीज को बताइए। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न है जिसके लिए 3-3 अंक यहाँ देख सकते हैं। परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का महत्व समझाइए और जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पेपर देखें तो फ्रेंड्स ज़्यादा टफ नहीं था अगर आपने सही से प्रिपरेशन की हो। जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिए। उसके बाद है मलेरिया पर जीव की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। मानव में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागत का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं चायका का कि निम्न में टिप्पणी लिखिए। भ्रूण कोष क्या है या विपुंसन, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है खा मानव में भ्रूणी प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है, इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका का अरक्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे अच्छे नंबर होते हैं आप लोगों के लिए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद विस्तृत प्रश्न है आपके लिए 5-5 नंबर के। मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। पुष्पी पादप में निषेचन पश्च घटनाओं की व्याख्या कीजिए। वंशागत गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो 5-5 अंक के ये 3 क्वेश्चन थे लेकिन इसमें से आपको अथवा में एक दिया हुआ है। और फ्रेंड्स आगे अथवा में एक और है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं। RDAN तकनीकी पर एक निबंध लिखिए जिसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे अथवा आप संप्रष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आपकी कैसी प्रिपरेशन थी और कैसा आपको क्वेश्चन पेपर लगा यह कमेंट में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।